सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। डेंगू का कहर जारी है। डेंगू एडीजी प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है और सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। राज्यों की सरकारें डेंगू के रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे होते हैं डेंगू के लक्षण और क्या हो सकता है उनका उपाय। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूरे देश में डेंगू का कहर जारी है। जी हाँ, बरसात के सीजन से मच्छरों के आने की शुरुआत हो जाती है। इनके काटने से मलेरिया और डेंगू जैसी घातक बीमारियां हो सकती है और सही समय पर इलाज ना मिलने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। पर ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं। सरकार भी डेंगू की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दरअसल डेंगू से भारत के कई जिले प्रभावित हो चुके हैं। अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दरअसल डेंगू एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। ये बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि ये डेंगू कैसे होता है। कैसे होता है डेंगू? मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है डेंगू। दिन में खासकर सुबह काटते हैं ये मच्छर। डेंगू में शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है। डेंगू बुखार मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती है। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है। डेंगू चार वायरसों के कारण होता है, जो इस प्रकार हैं: DNV1, DNV2, DNV3 और DNV। डेंगू में शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती हैं। इसमें मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है, वरना समय पर इलाज ना मिलने के कारण मरीज की जान भी जा सकती है। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वो उसका खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वाला वो मच्छर किसी और इंसान को काटता है तो उससे वो वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे वो डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। डेंगू का डर हर किसी को सताने लगता है। मच्छर के काटे जाने के करीब 35 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की मियाद 3 से 10 दिनों की भी हो सकती है। डेंगू के लक्षण। डेंगू में होता है तेज बुखार। मसल्स, हड्डियों और जोड़ों में होता है दर्द। शरीर पर हो जाते हैं लाल चकत्ते। बार बार उल्टी होना, नाक और होठों से खून बहना। आंखों में दर्द, ग्रंथियों में होती है सूजन। थकावट और बेचैनी होना। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षण साधारण बुखार की तरह ही होते हैं, जिनकी किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। अक्सर लोग इन लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा डेंगू से गंभीर तौर पर बीमार होने पर आपको हड्डियों में गंभीर दर्द होता है। इसे ब्रेक बोन बुखार भी कहा जाता है। उल्टी, जोरों में दर्द, आंखों में दर्द जैसे कुछ लक्षण भी आपको डेंगू होने की तरफ इशारा करते हैं। कमर के हिस्से में दर्द, एक दिन में 3 या ज्यादा बार उल्टी, नाक और होठों से खून बहना, उल्टी और मल में खून आना, थकावट और बेचैनी महसूस होना डेंगू के गंभीर लक्षण हैं। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। डेंगू बुखार 3 तरह के होते हैं,
जिनसे व्यक्ति को खतरा होता है, जो इस प्रकार है: हल्का डेंगू बुखार, डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। हल्का डेंगू बुखार, इसके लक्षण मच्छर के दंश के एक हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं और इसमें गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल हैं। डेंगू का उपचार। डेंगू के लक्षण दिखने पर तुरंत कराएं जांच। मरीज के ब्लड के सैंपल से होती है डेंगू की जांच। एंटीवायरल दवाओं से होता है डेंगू का इलाज। सादे पानी के साथ जूस, नारियल पानी का करें सेवन। प्राकृतिक और घरेलू इलाज भी हो सकते हैं उपयोगी। पपीते का पत्ते का रस बढ़ाता है प्लेटलेट्स। बकरी का दूध भी डेंगू में होता है फायदेमंद। तुलसी और काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल की तरह करता है काम। डेंगू में तेल मसाले वाला भोजन होता है हानिकारक। सादे भोजन का ही करें इस्तेमाल। बुखार में तेज बुखार, सरदर्द, बदन दर्द और होता है, जिसके लिए लोग जल्दी से रिलीफ पाना चाहते हैं। डेंगू के बुखार में चूँकि प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरता है, इसलिए जो दवाएं प्लेटलेट्स को कम करती हैं, जैसे स्टेरॉयड, निमोसलाइड, आइबुप्रोफेन, डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। केवल पैरासीटामॉल 650 mg, अगर वेट ज़्यादा है तो, वेट 50 से कम है तो 500 mg। ये दवा जो है सबसे ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है और आसानी से अवेलेबल है। इसको 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 दिन से अधिक बुखार रहता है तो जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें, अपने आप से कोई भी दवा ना लें। प्लेटलेट्स नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होता है। सभी वायरल फीवर में प्लेटलेट्स गिरता है, डेंगू में, चिकनगुनिया में, फल्सीफेरा मलेरिया, सेप्टिसीमिया और भी प्लेटलेट्स गिरने के कारण है। तो प्रॉपर जांच कराएं और जब तक जांच ना कराएं तब तक कोई भी पेन किलर ना लें, केवल पैरासीटामॉल लें या ट्रामाडॉल ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो। गौरतलब है कि ये बीमारी वायरस के कारण होती है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। इसके लिए कोई खास दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है, बल्कि एंटीवायरल दवाओं से इसके लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। और डेंगू का कोई लक्षण दिखाई देने पर अपने डॉक्टर को दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें। उल्टी के वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए जूस, नारियल पानी आदि का सेवन करें। बता दें कि आमतौर पर डॉक्टर बुखार उतारने के लिए पैरासीटामॉल खाने को देते हैं। डेंगू के लक्षण दिखने पर स्वयं दवाई ना लें, खासतौर पर खून को पतला करने वाली दवाएं जो रक्त स्राव को बढ़ा दे, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन सोडियम आदि। बता दें कि आमतौर पर डॉक्टर बुखार उतारने के लिए पैरासीटामॉल खाने को देते हैं। साथ ही डेंगू के इलाज में कई प्राकृतिक और घरेलू इलाज भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर बुखार ज्यादा हो और मरीज गंभीर हालत में है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गंभीर मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। डेंगू की जांच के लिए शुरुआत में एंटीजन ब्लड टेस्ट NS1 किया जाता है। इस टेस्ट में डेंगू शुरू में ज्यादा पॉजिटिव आता है, जबकि बाद में धीरे धीरे पॉजिटिविटी कम होने लगती है। ये टेस्ट करीब 1000 से 1500 रुपए में होता है। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है और इसके बाद ही पता चलता है कि डेंगू का बुखार है या नहीं। डेंगू से बचाव के उपाय। मच्छरों से बचाव के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट का करें इस्तेमाल। सुनिश्चित करें कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो। घर के कूलर का पानी बदलते रहें।
पानी को ढक कर रखें, शरीर को ढक कर रखें, फुल कपड़े पहनना है बेहतर। घर के खिड़की दरवाजों को बंद रखें। जमा पानी में पेट्रोल या फिर मिट्टी के तेल का करें छिड़काव। हालांकि डेंगू का टीका कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन WHO के अनुसार डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में ये टीका प्रभावी नहीं है, तो इसलिए डेंगू से बचने के लिए मच्छरों के काटने से बचना जरूरी है और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरों की आबादी को कंट्रोल करना जरूरी है। मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा साल के जिस समय डेंगू का प्रकोप हो उस समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना चाहिए। घर या आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें, जहां से पानी साफ करना संभव ना हो वहां पानी में एक ढक्कन मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दें। कूलर का पानी बदलते रहें। डेंगू से निपटने के लिए राज्यों की सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंच रही है, लेकिन गांव में किसी प्रकार का अभियान चलाकर टीकाकरण प्रभावित इलाकों में कीटनाशक का छिड़काव, फॉगिंग व साफ सफाई कराई जा रही है, जिससे कहीं न कहीं डेंगू के मामलों में कमी लाई जा सकती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।